हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से EMI म्यूज़िक से म्यूज़िक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में अपनी गैलरी में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट फ्रेंड, और जान लेते हैं कि ऐसा प्रोसेस अपने मोबाइल में कैसे करेंगे। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे म्यूज़िक EMI म्यूज़िक को करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो सिंपली दोस्तों अब यहाँ पे मैं सर्च करके यहाँ पे कोई भी एक म्यूज़िक आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से म्यूज़िक कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप हंगामा प्रो पे यहाँ पे आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हंगामा डिजिटल मी, तो आप यहाँ पे 499 रुपीज़ परचेज़ कर सकते हैं यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन लेना है तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ से म्यूज़िक कैसे डाउनलोड करना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। तो चलिए यहाँ से मैं यहाँ से सर्च करके कोई एक म्यूज़िक आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया, जैसा कि यहाँ पे जो कोई भी म्यूज़िक आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैं अरिजीत सिंह का कोई एक म्यूज़िक डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ अरिजीत सिंह, तो जैसा कि यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सभी गाने जो अरिजीत सिंह के यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, यहाँ पे खुल चुके हैं। लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो कैसे डाउनलोड करना है तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको जो गाना आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको सर्च बार में उसी का नाम जो जो सेम टाइटल रहेगा गाने का आपको वही डालना होगा। तो चलिए मैं सेम टाइटल इस किसी गाने का डाल के आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से कैसे डाउनलोड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं खैरियत गाना डाउनलोड करना, तो यहाँ पे डाल सर्च करके यहाँ पे जो 3 डॉट लाइन आपको दिख रहा है तो सिंपली दोस्तों आपको वहाँ पे टैप करना होगा। टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कई ऑप्शन देखने को मिल जाता है, प्ले स्टोर सॉरी प्ले लेटर, यहाँ पे ऐड टू एंड डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली इस पर आपको टैप कर देना होगा। टैप करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपली इस पर आप टैप करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मेरा डाउनलोडिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी यहाँ म्यूज़िक डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ म्यूज़िक कैसे डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे टाइप करूँगा, तो टाइप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की ओर मेरा जो म्यूज़िक अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी कुछ समय लगेगा तो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे नेटवर्क स्पीड कुछ अच्छा है तो डाउनलोड होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट ऑल एंड पश ऑल, यानी आप स्टार्ट भी कर सकते हैं सभी को। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ से आप म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं EMI म्यूज़िक ऐप से। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए फ्रेंड। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।